हेलो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं मंडे 28 अगस्त का एक मैसेज आया है। 3,000 रुपया यहाँ पे पेंशन आना चालू हो गया है। मिनी स्टेटमेंट निकाल कर हमने देखा तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसे ही नहीं, चलिए एक और स्क्रीनशॉट आपको दिखाते हैं। वहाँ पे भी 3,000 रुपया आना चालू हो जाए। वृद्धा पेंशन देखिए, वृद्धा पेंशन अब आना चालू हुआ है। विकलांग और विधवा पेंशन पहले ही से ही आ रहा है, लेकिन वृद्धा पेंशन अभी रुका गया था। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पे एक और मैसेज देख सकते हैं। पेटीएम बैंक में ट्रांसफर हुआ है, तो यहाँ पे आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद अब हम जानेंगे कि जिन लोग का वृद्धा पेंशन नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं वृद्धा पेंशन आ रहा है। ठीक, अगर नहीं आ रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम आपको यहीं पे बताएंगे। क्योंकि हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हर जिले के अधिकारी, जिला अधिकारी है जो सबको मैसेज देकर बता रहा है कि आपको ये करना पड़ेगा तभी आपका पेंशन आएगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले, बताने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं। और ऐसे ही पेंशन संबंधित चाहे जो भी सरकार की ओर से कोई भी सुविधा आती है तो आपको मेरे चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलता है। ठीक, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम आपको दिखाते हैं एक पेपर का कटिंग। यहाँ पर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पेपर का कटिंग है, हिंदुस्तान का पेपर है। ठीक, और कितने तारीख है तो आप ये भी देख सकते हैं। ये 29 तारीख का है ये पेपर का कटिंग। यहाँ पे आप देख लीजिए क्या क्या लिखा गया है। और ये जिला इटावा जिला है, आपको यहाँ पे ऊपर दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इटावा संवाददाता का ये पेपर है। ठीक, इटावा जिले के लिए है, लेकिन सभी जिले के लिए यही नियम लागू हो रहा है। सब जिला अधिकारी आपको मैसेज देकर बता रहे हैं और पेपर में बता रहे हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा और क्यों पेंशन आपका रुका है। पेंशन यहाँ पे कटा है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, पेंशन आपका कट ही नहीं सकता है। ठीक, पेंशन सिर्फ रोक कर रखा गया है। जानते हैं कारण क्या है, क्यों रुका गया है। वृद्धावस्था पेंशन पाने वालों को अब आधार बेस्ड पेंशन दी जाएगी। इसके लिए उन्हें बैंक में जाकर अंगूठा लगाना पड़ेगा। जिले में 63,000 पेंशनर है जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है। तो देखिए भी जो इटावा जिला है इसमें 63,000 पेंशनर है, उनको पेंशन की अवस्था दी जा रही है। ठीक, आगे देखते हैं। इसमें से अभी तक 6,647 पेंशनर ऐसे हैं जिनके आधार सीडेड नहीं हुए हैं। इनसे कहा गया है कि बैंक में जाकर आधार सीडेड कराए। तो अभी देखिए 63,000 में से अभी 6,647 ऐसे पेंशनर है जिनका आधार सीडेड नहीं है। और सब बात है कि जिनका भी आधार सीडेड नहीं रहेगा बैंक में, उनका पैसा नहीं आएगा। उनसे कहा भी गया था कि आपको बैंक में जाकर सीधे करा लेना। आगे जानते हैं उसको, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। सीडेड कराएं, उसके बाद ही उनके खाते में पेंशन की रकम पहुँचेगी। देखिए साफ कह दिया गया है कि अब आपका जो आधार है बैंक में सीधे रहेगा, उसके बाद ही पहुँचेगी। पेंशन भेजने की व्यवस्था NPCI की ओर से की जा रही है। जो भी पेंशन की भेजने की व्यवस्था है, यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं हो, इसीलिए NPCI को दे दिया गया कि NPCI के माध्यम से ही आपको भेजा जाएगा। ठीक, जिला समाज कल्याण अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि आधार सीडेड होने के बाद खाते में पेंशन की रकम पहुँच जाएगी। अब देखिए, कुछ लोग का पेंशन आ गया, कुछ लोग का रुका है, लेकिन आप जैसे ही आधार सीडेड कराएंगे, जैसे मान लीजिए आप आधार सीडेड आज कराते हैं, तो जैसे आधार सीडेड हो जाएगा उसके 2-3 दिन के बाद आपके खाते में रकम पहुंच जाएगी। इसके लिए आपको कहीं जाने की नहीं ज़रूरत, जैसे वहां पर शो करेगा कि आधार सीडेड आपका हो गया, आपका डिटेल मैच कराया जाएगा। और डिटेल मैच होने के बाद आपके अकाउंट में 3,000 रुपये जो भी पेंशन का रकम है आपके ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं, इसके लिए बैंक में जाकर कार्रवाई करनी है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में ब्लॉकों में समाज कल्याण विभाग की ADO से जानकारी की जा सकती है। आप इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो ब्लॉक में जाकर ADO से जानकारी ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय आकर परेशान ना हो, बल्कि ADO समाज कल्याण अधिकारी से जाकर जानकारी लेकर बैंक में जाकर आधार सीधे कराएं, इसके बाद खाते में पेंशन की रकम पहुंच जाएगी। तो अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ब्लॉक व्लाक में नहीं जाना है, ना जानकारी। सिर्फ और जिन लोगों का पेंशन अब तक नहीं आया है तो आपको बैंक में जाना है और अपने आधार को सीडेड करा लेना है अपने अकाउंट से। इसका मतलब ये है कि आपको लिंक करा लेना है, जाकर वहाँ पे करेंगे तो आपको नहीं तो आपको जाना है NPCI कराने, कह देना NPCI हमको कराना है। NPCI का आप एक फॉर्म भरेंगे, आपका NPCI हो जाएगा, अंगूठा लगेगा,
आपका हो जाएगा, अनठा जैसे लगेगा उसके 2-3 दिन के बाद आपका पेंशन आ जाएगा। तो जानकारी अच्छी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बारे में और विस्तारपूर्वक जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप जानकारी ले सकते हैं।